अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नईम खान और आज एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने लाया हूं इमरान खान की सपोर्ट रैली। और आज जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। और हम लोग साथ में नारे भी लगाएंगे और लोगों से बातें भी करेंगे। कैसी लग रही है आपको रैली? बड़ी जबरदस्त रैली है, बहुत ऑर्गेनाइज है, बड़े अच्छे लोग आए हुए हैं। मैसेज है, आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ। ये लोग क्या क्या सोच के आए और लोग पाकिस्तान के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जी ताहिर भाई, क्या हाल है? जी आई एम फाइन, थैंक यू। नहीं आप बताएं इस रैली के बारे में, आपका क्या ख्याल है? भाई देख लें, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज व्हाट आवर डिमांड्स आर। सब यही चाहते हैं, इमरान खान को सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में चल रहा है कोई इससे एग्री नहीं कर रहा। जिस तरह से शकून मार की जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लेके आई गई है, उस भिखारी की जिसने सब जगह पाकिस्तान का जो है वो नाम डुबोया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो ये इन सब लोगों ने यहाँ पर आके ये साबित कर दिया है कि दे विल नॉट एग्री विद दैट। और इनकी सिर्फ इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लबैक करके उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है और वो है कि फौरी इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और फिर उसके बाद अगर आवाम चाहती है कि उन चोरों को दे दिया जाए तो दे दिया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके नतीजे में फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो हम सबको उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है, उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि ये लोगों का जो जज्बा है ये दीदनी है। इतने सालों से कनाडा में रहने के बावजूद आज तक कभी नहीं देखा गया कि किसी लीडर ने एक कॉल के ऊपर इतना जो क्राउड है वो इकट्ठा किया होता है। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ दी अवाम हियर जो कि यहाँ पर जीटीए में रहते हैं, और हम सब जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पर मौजूद है और इंशाल्लाह इसी तरीके से निकलते रहेंगे जब तक हमें खान बोलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। असिस्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि नहीं कैमरा होल्ड किया हुआ है, बहुत ज्यादा रश है। आए देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, लोगों से बात करते हैं। एक यंग कपल हमें छोटे बच्चों के साथ नजर आ रहा है, मैं उनको टारगेट। ये यंग कपल है, देखिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर मौजूद है। इतनी सर्दी है इसके बावजूद आप लोग यहाँ पर छोटे बच्चे के साथ मौजूद है, क्या वजह है इसका? पाकिस्तान वजह है इसका, आवाम को निकलना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब तो एक तरफ, खान साहब एक तरफ, हमें साथ देना पड़ेगा इमरान खान का। पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए, पूरे बहरून में जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुसलमान जितने भी हैं, उनको निकलना पड़ेगा। इट्स नाउ और अनदर 75 इयर्स ये आवाम ने डिसाइड कर लिया। तो आप समझते हैं कि इस तरह निकलने से जो मौजूदा सेटअप है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये चीज़ें री इलेक्शन की तरफ जाएंगी? सबसे बड़ी ताकत जो है वो आवाम है। सही है, सबसे बड़ी ताकत आवाम है। आवाम के सामने कोई भी इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं हो सकता, और इमरान खान हर किसी डिपार्टमेंट को, हर किसी पूरे के पूरे सिस्टम को नंगा करके चला गया है। उस दिन जो हुआ वो सबने विटनेस किया कि हमारी जुडिशरी जो बेनिफिट्स लेने में तो नंबर 4th पर है पूरी दुनिया में, मगर जब जस्टिस की बात आती है तो 130वें नंबर पर वो आते हैं। और बाकी हर किसी को आपके सामने है कि उन्होंने किस तरीके से इमरान खान के अगेंस्ट जाकर इस गवर्नमेंट को टॉपिल किया है, और लेकर किसको आया गया है वो बच्चा अब जानता है। आप देख लें, मिस्टर सादा में 1500 लोग यहाँ पर जमा है, अगर यहाँ पर अंदर 1500 का मतलब है कि पाकिस्तान में 1,00,000 लोगों के बराबर है, क्योंकि वॉल्यूम स्पीक्स इटसेल्फ। इंशाल्लाह अल्लाह बस इमरान खान की इंशाल्लाह करे। जी आप कुछ कह रहे थे क्लोजिंग रिमार्क्स, क्या आप इमरान खान को कोई मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान, अब आपको ये मैसेज है कि घबराना नहीं है, इमरान सारी आवाम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मुख्य
एक अंकल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये भी यहाँ पर वक्त निकाल के आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको खराज तहसील आपने इतना टाइम दिया, अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या महसूस नहीं कर रहा है आपके और आपकी जो सब लोग हैं इनको देख कर क्या महसूस हो रहा है? I don't understand what you're saying. Okay, but I support Imran Khan. You support Imran? Where are you from? He's a great. Where are you from? Great man. Yeah, where are you from? From Iraq. You're from Iraq? Yeah. He's from Iraq, still he came here to support Imran Khan. How do you know Imran Khan? I don't. He's a great prime minister. From? He's against the West. He's against the West. That's why you are supporting him. Yeah. Because he's not a puppet of West. Yeah, not puppet of the West. Okay, that's good. What's your name, sir? My name is Ghassan. Ghassan? Yeah. Okay, Mr. Ghassan is here from Iraq and he's supporting Imran Khan because he says that he's not a puppet of West and he is not supporting West. So that's why he's here. आप देख सकते हैं कि ये उर्दू भी नहीं समझ रहे, इनको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन जो मैसेज है, जो इसकी रूह है, वो उसके साथ खड़े हैं। दिस इज व्हाट खान इज ऑल अबाउट, इसीलिए ये सारे लोग निकले हैं। तो मैं इनको जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये यहाँ पर, हालांकि ये कुछ भी नहीं समझ रहे लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच मिस्टर अस्ताद, थैंक यू। Do you love Pakistan? Yeah, you do? Okay, just say it loudly. Say it. I love Pakistan. Okay, can we talk to her? What's your name? Anaya? Okay, Anaya, what do you want to say about today? Why are you here? Okay, do you like him? Yeah, and do you like Pakistan? Have you been to Pakistan? Okay, what do you like most about Pakistan? Your family is over there? Okay, that's cool. Give me thumbs. Give me fist here. Thank you. But say Pakistan Zindabad in camera. Say it. Okay, thank you. We want action. 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 And the vlog is for this. What would you think? खान ने अपना जो टारगेट है अचीव कर लिया है, क्या ख्याल है? बिल्कुल अच्छा, आप तो बहुत अच्छे से पीटीआई के साथ काम कर रहे हैं और ऑफकोर्स मेरी भी जो हमदर्दियाँ हैं वो हमेशा खान के साथ ही रही हैं। तो पहले वाले जो यानी प्रो इलेक्शन जो हालात थे और अब जो आप हालात देख रहे हैं, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? हालत अभी देखे ना, जो डोनेशन वाली रन रही थी चौक हुई हुई है, बिल्कुल उस पर लोग तो आई थिंक इतनी पॉपुलरिटी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से पहले किसी पाकिस्तान के अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी हमने कभी भी नहीं देखी। एनी मैसेज टू खान? नहीं यार, एवरीथिंग क्या कहते, घबराना नहीं बस। हमारे एक तरह सबसे ज़्यादा ये सेंटर ऑफ दी अटेंशन रहे हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर इकबाल है जी, मुजाहिद आप लोग हैं, यंग जनरेशन। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमारी इंस्पिरेशन है जफर इकबाल साहब। आप देखें ये माशाल्लाह पूरे पीटीआई मैन बन के आए हुए हैं यहाँ पे। आज की इस पूरी से ये महफिल, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जी हमारे जज्बात का, हमारे दिल में जो जज्बे हैं ना, उसकी जो हल्की सी झलक है और ये झलक हमने रोज़ दिखानी है। कल शाम को फिर 9 बजे यही झलक हमने यहाँ पे दिखानी है, पैगाम देना है पाकिस्तान के आवाम को। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, इन जज्बों को बरकरार रखना है उस वक्त तक जब तक खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन जाते। ये हमारे दिल की आवाज़ है और हमें जब भी मौका मिलना है, कल परसों कल तकरीर भी हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं बिग स्क्रीन पे, नेक्स्ट वीक और एक है, हमने जब तक ये खान साहब वापस नहीं आते इसी तरह। आप मुझे ये बताएं, आप तो अब क्या रिटायर बुजुर्ग हैं, आपको क्या पड़ी निकले में सर्दी में, क्या जरूरत है आपको? मेरी जान, रिटायर हो के पाकिस्तानियत तो खत्म नहीं ना होती। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत सीने में है। मैं इस मुल्क में 40 साल से रह रहा हूँ, मैं उस वक्त से रह रहा हूँ जब एक झंडा होता था, आज आप झंडे ये है। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, अपनी बेटियों को देखता हूँ, ये मेरी जवानी का राज। ये जज्बे किसी कीमत पे नहीं खरीदे जा सकते, ये हमारे दिलों की आवाज़ है और खान के लिए है, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।
आज की इस महफिल के बारे में सिर्फ आपके जज्बात जानने हैं जी, तो क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर क्यों शिरकत करने के लिए आई हैं? आज हम इमरान खान की सपोर्ट के लिए आए हैं, ठीक है, और हम उनके साथ हैं, ठीक है। बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं पाकिस्तान माशी और इखलाकी एतवार से तरक्की करे और हमारी नई नस्ल को जो जगाने वाले हैं वो इमरान खान हैं, ठीक से। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत ईमानदार और बावकार लोगों के हाथों में आए, जैसे हम देख रहे हैं कि इतने अच्छे माहौल में प्रोटेस्ट कर रही हैं और मतलब कनाडा की जो लॉ है इसमें सब आए हुए हैं, मतलब बच्चे हैं बूढ़े हैं रोज़ों के साथ आए हुए हैं और ये जहाद है हमारे लिए रमजान के महीने में, हम इसको सदका जारी है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप लोग वो एज ग्रुप हैं जिसने ज़्यादातर वो गवर्नमेंट देखी है जिनके खिलाफ इमरान खान आज खड़ा हुआ लड़ रहा है, तो क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ जब इमरान खान ने गवर्नमेंट की और उससे पहले जो लोग गवर्नमेंट कर रहे थे, तो आपके ख्याल में इमरान खान एक सही इंसान है कि जो? बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि अब ये मिसाल जो कैनेडा की दे रही थी कि इतनी आज़ादी के साथ ये पाकिस्तान में, हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की नई नस्ल तरक्की करे, हर एक को अपने राइट्स मिलें और इक्वल मिलें, कोई गरीब ना रहे पाकिस्तान, ताकि हम बीइंग अ फॉरेन पाकिस्तानी हम पाकिस्तान का नाम इज्जत के साथ ले सकें कि हमारे पाकिस्तान तरक्की, 72 सालों में पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की, ठीक है, कोई तरक्की नहीं की और गरीब बस्ती में गिरता चला जा रहा है, अमीर अभी तर होता जा रहा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे करूँगा कि कल अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और ओवर 25 पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया जाता है, तो क्या आप जाके वोट करेंगी और किसको करेंगी? जी, मैंने तो पहले इमरान खान को किया वोट, ठीक है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि यहाँ से अब वोट हो जाए, लेकिन अगर ना हुआ तो पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जहाद है इमरान के साथ खड़े होना, क्योंकि वो एक सच्चा और खालिस पाकिस्तानी है और मुसलमान है, ठीक है, उसकी मुसलमान तो बाकी भी सब हैं, लेकिन वो एक उसूलों पर चलने वाला और नौजवानों की गैरत को जगाया उन्होंने, और इंशाल्लाह ये नई नस्ल जो है पाकिस्तान की इमरान खान के साथ है, हमने बहुत ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन हम अपनी नई नस्ल के लिए एक मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें पाकिस्तान का नाम बड़ी वकार के साथ दूसरे मुल्कों के में भी लें और बताएं कि हमने देखें इस डिपार्टमेंट में तरक्की की है पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान फाइंदाबाद, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मरियम के बाबा चोर है, 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 इन सब के बाबा, इन सब के बाबा, अरे सारा छप्पर चोर है, सारे का सारा चोर है, सारे का सारा चोर है। खवातीन भी यहाँ पर, देखिए आप यंगस्टर्स खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का झंडा लेके खड़ी हुई, पहले इनसे बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? Zainab, why are you here? I'm here to support Imran Khan. Okay, how do you know him? Who doesn't know him? He's a great cricket player, he's a great politician, great leader. Great person, humble person. So have you been living your life here in Canada? So still you're here, then what is your aim? Like, what are you trying to achieve here? Because you're not even living in Pakistan, but still you're here. I don't live in Pakistan, but Pakistan is still my home. It's still where I'm from. It's where my parents are from. And we want our people from Pakistan to live a better life and to have a leader that they deserve and that they need. Okay, so let's say if there is election tomorrow and they approve, I'm voting. 100% voting. Okay, you're voting. And who are you voting for? Who else? Imran Khan. Okay, yes. Okay. Now we have the one here. What's your name? Deepi. Deepi? Yeah. Okay, where are you from, Deepi? My background's Indian. So you can see that we have an Indian girl in the house and she's holding Pakistani flag. This is what I want to show to the people, that it's a cause. It's a cause actually, you know, that is bringing everyone together. Not just the people from Pakistan, but other people. We have shown you people from Iraq and now you have got Deepi she's from India. Yeah. So Deepi, how well do you know Imran Khan? I know him pretty well. Okay. My dad follows the politics as well. Okay, so you also
follow Pakistani politics? I do. Okay, I see. So what do you think about what has actually happened in the last 2 weeks in Pakistan, and Imran Khan has lost his government? What do you think about it? I think it's very unfair and unjust what's happening. The corruption should not be taking over. And I think the people's voice needs to be heard as well. So hopefully, with everything that's going on, hopefully our voices will be heard, or the voices of the Pakistani community. So usually the perception is that Indian people, they do not like us as a Pakistani, but you're still here. Do you think you're going to face a backlash within your community that, hey, why were you holding the flag, and do you care about that? How would you deal with that then? I don't think I should receive any backlash, because at the end of the day, this is a fight for freedom. So as I would expect the Pakistani community to have support for my community if there was ever a problem, that's the same way I'm here supporting them. So I don't think I should receive backlash. I'm not too concerned if I do. This is a fight for freedom. Okay, so if you get chance to visit Pakistan, would you do that? Okay, you're welcome to Pakistan, and thank you so much, DP. Thank you, guys. Thank you. So you could see that I have already told you that ke wahan par bhi jo log maujood the, usse unka sirf taluq Pakistan se nahi hai. Maine kuch sardaron ko bhi yahan par dekha. Abhi DP se bhi aapki baat karai, Ghassan sahab se bhi aapki baat karai. So whoever knows Imran Khan, they know that it is not fair what has actually happened with us. Aur yahi jo hai wo message hai jo ki lekar sab log yahan par khade hue hain. Aur hum aapko yahi dikhane ki koshish kar rahe hain ki ye PTI ka masla nahi hai, ye sirf Imran Khan ka masla nahi hai, ye sirf is baat ki nahi hai ki vote of no confidence hua aur Imran Khan ki government chali gayi. It's not about that. The way they conducted the things, the way they are actually handling the politics in Pakistan, that is something we have got concerns about. Aur isi ko lekar ye sare log itni sardi mein rozo ke sath apne yahan par maujood hain, aur dusri कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं. थैंक यू. एक यंगस्टर हैं जो कि देखने में भी इमरान खान जैसे ही लग रहे हैं माशाल्लाह. माज रानी, मैं स्पेशल पाकिस्तान से आया हूँ यहाँ पे सागर सपोर्ट करने के लिए. थैंकफुली PTI कनाडा के अंदर यहाँ पे हमने ये ऑर्गेनाइज करवाया है इवेंट. हालांकि पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल टर्मोइल है, हर तरफ लोग आए हुए हैं, सड़कों में निकले हुए. हमारा हक एज ए पाकिस्तानी, जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं, जिस इस कंट्री में देख रहे हैं, देखिए फासला बहुत ज़्यादा होगा पर दिल में पाकिस्तानी हैं. हम सब ने बाहर निकलना अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए. ये बात अब खत्म होगी कि PTI का आप साथ हो, किसी और के साथ हो. अब आप अपने मुल्क के लिए निकलना, अपने खान के लिए निकलना है, अपनी जान के लिए निकलना है. पाकिस्तान कहाँ से? इस्लामाबाद. इस्लामाबाद, ठीक सही. इलेक्शन होगा, आप तो यहाँ है, अगर होता है इलेक्शन तो? नहीं नहीं, मैं जरूर पाकिस्तान जा रहा हूँ इलेक्शन के लिए. ओवरसीज पाकिस्तानी हम हैं, हम वोट कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता क्या हुकूमत करने देगी, हमें नहीं करने देगी. पर हम लोग एज ए पाकिस्तानी, हमारा राइट है, हमने वापस जाना है, वोट करना है. मैं सबको अर्ज करूँगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो जरूर पाकिस्तान वापस जाएँ, सपोर्ट करें पाकिस्तान को. इससे पहले आप कभी जरूरत पड़ी नहीं थी, अभी बहुत जरूरत है, ताकि पब्लिक बाहर निकल सके और वोट कर सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो गाइस, हम लोगों का ये जलसा ख़त्म हो गया है यहाँ पे. ये बिल्कुल जलसे का समा था बिल्कुल, और बहुत ही मज़ा आया. और आप लोग इंटरव्यू देखे आप लोगों ने, सबके सब लोगों ने किस तरह से बताया, और किस तरह से लोग दिल से आए हैं और दिल से चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों, यही एक सोल्यूशन है. तुम्हें कैसा लगा यहाँ का ये सारा? बहुत ज़बरदस्त क्राउड, बहुत ही गर्मजोशी के साथ बहुत से लोग आए हुए थे, और बहुत सी नारेबाजी हुई, और लोगों ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सारे नारेबाजी की, और इमरान खान के हक़ में बहुत सी सपोर्ट इधर मौजूद है कनाडा में. इधर मिसागा में स्क्वायर वन पे बहुत लोग जमा हुए थे. ओवरसीज़ जो अभी पाकिस्तानीज़ हैं, उनका वोट का हक बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए. और काफ़ी लोगों ने हमें ये भी कहा कि अगर हमें वो हक नहीं मिला तो हम पाकिस्तान जाके वोट डालेंगे, और मगर डालेंगे ज़रूर, और डालेंगे इमरान खान को इंशाल्लाह. तो मुझे दीजिए इजाज़त. आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और काफ़ी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करा हुआ जिन्होंने, तो अगर देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक का बटन दबा दो. मुझे दो इजाज़त, फिर मिला कर दो किसी और ब्लॉग में. अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.